हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वर्य। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाउन लहंगे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। गर्मियों के टाइम में अक्सर हम लोग हैवी लहंगा हैवी गाउन पहनते हैं, उसके वजह से हमारे हेयर स्टाइल भी ओपन होता है तो अब काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है। हम कोई काम नहीं कर पाते अपने बालों में और अपने लहंगे में ही उलझे रह जाते हैं। तो इस टाइम पर हमको चाहिए होता है कुछ स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल और हम कम्फर्टेबल रहें इस टाइप का। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इसी टाइप का हेयर स्टाइल जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल होगे, बहुत ही स्टाइलिश लुक आएगा आपका लहंगे और गाउन ड्रेस के साथ। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से एक रबड़ बैंड लेना है एंड अच्छे से इसको पोनी बना लेनी है। उसके ऊपर हमको एक इस तरीके का डोनट बन लेना है। आप अपने जितना बड़ा हेयर स्टाइल बनाना है उतना बड़ा डोनट बन ले सकते हो। फिर उसके बाद से डोनट बन को यूपिन की मदद से यहाँ पे सिक्योर कर दे रही हूँ और अच्छे से जो पोनी का हेयर है उसको अच्छे से कॉम कर लेंगे, कहीं भी हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपको जो फ्रंट में आप कोई एक्स्ट्रा अलग से हेयर स्टाइल करना चाहते हो जैसे कि पफ ट्विस्टिंग, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना फ्रंट अपने फेस के अकॉर्डिंग फ्रंट हेयर स्टाइल कर लीजिएगा। फ्रंट हेयर स्टाइल की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और लेयर्स निकाल के उसको कर्ल्स कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट रहेगा आपके पार्टी लुक के लिए। अब इसके बाद से मैंने इस तरीके से हेयर को लिया, फिर मैंने सोचा पहले ट्विस्टिंग करके कुछ हेयर स्टाइल किया जाए बट मुझे जचा नहीं, फिर मैं इसको छोड़ दूंगी और थोड़ा अलग सा बहुत स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल बताऊंगी आपको। तो देखिए ट्विस्टिंग करके लगाया था बट ये कुछ जच नहीं रहा था मुझे, तो फिर मैंने इसको ओपन कर लिया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से हेयर को पतले पतले पार्ट्स लेंगे हेयर के और इस तरीके से टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और इसको सिंपली नोट लगा देंगे। चार पांच नोट्स लगाते जाएंगे जिससे कि हमारा जो डोनट बन है वो अच्छे से हाइड हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी तरीके से डोनट बन के ऊपर यूपिन से इसको सिक्योर करते जाएंगे। इसी तरीके से पूरे बन को बनाना है जैसे कि हमारा पूरे बन को हाइड करना है जिससे कि हमारा डोनट बन अच्छे से हाइड हो जाए। पूरे बन को मैं इसी तरीके से लेयर्स लेके नॉट लगानी है जिससे कि हमारा जो डोनट बन है वो हाइड हो जाए। और किस तरीके से कर रही हूँ वो आपको पूरा वीडियो में डिटेल में देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। और मेरा जो सेकंड चैनल है ना उस पर मैं अपना वो स्किन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज अपलोड करते रहते, छाइयाँ, काले दाग धब्बे, झुर्रियाँ, रिंकल्स कैसे रिमूव करते हैं, स्किन की ऑल प्रॉब्लम्स की वीडियोज आपको उस चैनल पर मिलेंगी, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और मेकअप ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगी तो वहाँ पे जरूर जाएगा और चेकआउट कीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पे मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। एंड एक जिली ऐप जो है उस पर भी मैंने अभी नया नया एक अकाउंट बनाया, तो प्लीज़ उस पर भी जाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। वहाँ पर मैं स्किन से रिलेटेड ही वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो इसी तरीके से नॉट लगाते लगाते पूरे बन को डोनट बन को हाइड करना है। इस तरीके से लेयर्स लीजिए, टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और सिंपली इसमें नॉट लगाइए। ओके, बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनने वाला है गाइज, एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए गाइज। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से नॉट लगाई है। अब इसी तरीके से पूरे बन को बनाना है। लेयर्स जब भी लेते हो उसको कॉम कर लीजिए। कॉम करने से क्या होता है कि अच्छे से हमारा जो लेयर होता है क्लीन हो जाता है और जो हम नॉट लगा रहे हैं तो या फिर कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं कॉम करने से हमारा हेयर स्टाइल परफेक्टली आता है। तो इसी तरीके से बनाते जाऊंगी और पूरे डोनट बन को कवर करूंगी। जो बाद में ये लेयर्स बच रहे हैं इनका क्या करना है वो भी बताऊंगी, तो देखते रहिए। अभी फ़िलहाल में मैंने अपने उस चैनल पर डाला था कि जैसे आपकी एजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, झाइयाँ आ रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की है। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। जिसकी भी स्किन उम्र से ज़्यादा, मतलब आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हो या फिर आप जितनी उम्र के हो उतने भी दिखते हो उसे आपको थोड़ा कम दिखना है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, पूरा डिटेल में बताया हुआ। तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और फेस पैक बनाइए, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बना लोगे और बहुत अच्छा लुक आ जाएगा आपके फेस का और आपका फेस धीरे धीरे टाइट होने लग जाएगा। तो प्लीज़ गो टू माय सेकंड चैनल प्रीत तिवारी 2, चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2, PREET तिवारी TIWARI एंड 2, सिर्फ 2 लिख देना है, बस आपको सर्च करोगे तो आ जाएगा चैनल। अब यहाँ पे हमारा बन लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब नीचे से अच्छे से यूपिन से हम लोग सारे हेयर को एक साथ पकड़ पकड़ के चिपकाते हुए लगा देंगे जिससे कि हमारा डोनट बन कहीं से भी दिखाई ना दे, क्योंकि जो हेयर का कलर है और डोनट बन का कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हेयर हमारा येलोनेस में है एंड डोनट बन पूरा ब्लैक है, तो अच्छे से हाइड होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो लुक है वो अच्छे से नहीं आएगा।
तो यहाँ पे फिर से अगेन जितने भी हेयर बचे हैं इनको इस तरीके से नॉट लगा रही हूँ। पूरा नॉट लगाते लगाते ही पूरे दोनों बंद को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। उसके बाद जो लास्ट के हेयर बचे हैं उनका क्या करना है वो भी देखिएगा। इस तरीके से हेयर को पकड़ पकड़ के डोनेट वन को हाइड करना है। अब जो इतने लास्ट वाले हेयर बचे हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और नीचे वाले पार्ट्स को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड इसको नोट लगाएंगे, गांठ लगाएंगे। सिंपली गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा शादी पार्टी में ये, और ऐसा भी नहीं है बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हो। ओके अब यहाँ पे मैंने इसको भी यूपिन से सिक्योर कर दिया। अब जो बीच का हेयर बचा हुआ है जो हमने अभी छोड़ा था ऊपर की तरफ हेयर को, उसका क्या करना है वो भी देख लीजिए। पहले मैं पूरे बन को अच्छे से कवर कर लेती हूँ कहीं से भी हमारा डोनट बन जो है वो दिखाई ना दे। अब जो ये बीच का हेयर मैंने छोड़ा था इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपस में ट्विस्ट कर देंगे। नॉट नहीं लगानी है यहाँ पर, इस तरीके से ट्विस्ट करनी है, एंड तक पूरा ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करने के बाद से इसको ऐसे राउंड राउंड लपेटते हुए लेके आएंगे। पूरा एंड तक ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है। अब इसको इस तरीके से राउंड राउंड लपेटेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इस कोई दिक्कत ना आए। अब इसको सेंटर में ले जाके बन के दो तीन यूपिन से तीन चार जितना भी लगे उतना लगा के अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। ओके तो यहाँ पे मैंने तीन यूपिन से इसको सेट कर दिया। अब जो एंड पार्ट्स का हेयर बचा हुआ है, जैसे ऊपर के जो हेयर बचे हैं इनको आपस में इस तरीके से पकड़ते जाना है, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते जाना है और बहुत प्यारा लुक आएगा आपके बन का। और थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे जिससे कि जो हमारी ट्विस्टिंग है वो दिखाई दे। और ये देखिए इस तरीके से पूरा ट्विस्ट करेंगे एंड तक, तो लग रहा है ना बहुत प्यारा सा बन आपका पार्टी के लिए बहुत अच्छा लगेगा। पतले हल्के बाल हैं तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, पतले हल्के बालों पे भी बहुत प्यारा लुक आ जाएगा। बस बड़ा सा डोनट बन लगाइए और अपने बालों को इस तरीके से गांठ लगा लगा के पूरा बना दीजिए, एंड पार्ट को ट्विस्ट कर दीजिए, तो पतले हल्के बालों में बहुत सुंदर सा गाउन के लिए लहंगे के लिए आपका बन के रेडी हो जाएगा। मैंने फ्रंट से एकदम फ्लैट सिल्क लुक रखा है, बट आप फ्रंट में मैसी लुक रख सकते हो, पफ बना सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, लेयर्स जरूर निकालिएगा। अगर आप पार्टी के लिए हेयर स्टाइल बना रहे हो तो लेयर्स निकाल के उसको कर्ल्स कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। अब हेयर बन को और भी अच्छा दिखाने के लिए, हेयर को सजाने के लिए यूपिन वाला जो फ्लावर्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं पिन, वो लगा के आप बन को और भी अच्छा लुक दे सकते हो। तो ये है बन का फाइनल लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गर्मियों में अगर आप शादी पार्टी अटेंड कर रहे हो और गाउन डाला है, साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।